हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे नाउन की, कि नाउन नाउन क्या होती है, नाउन कितनी तरह की होती है, नाउन आखिरकार हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और नाउन की क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में। क्योंकि देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम सेंटेंस कोई भी ट्रांसलेट करते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं या कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ होता है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के मेल से ही बना होगा। तो इस वजह से हमें ये चीज़, ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में बहुत डिटेल में सीखेंगे और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे कि नाउन होती क्या है, नाउन कितनी तरह की होती है, टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे सिंगुलर प्लूरल नाउन के बारे में बात करेंगे, जेंडर क्या होता है, और कुछ स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स जो नाउन की तरह काम करते हैं जिन्हें हम क्या जिरंड बोलते हैं, हम उनके ऊपर भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। और बात करते हैं कि कुछ ऐसी वर्ब, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी नाउन होती हैं जो दिखने में प्लूरल भी होती है, सिंगुलर भी होती है, पर लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं या प्लूरल वर्ब लगाएं। अगर आपको ये नहीं पता कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, जब मैं सिंगुलर प्लूरल नाउन डिस्कस करूँगा उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं, अब इसमें टाइप्स की, नाउन होती क्या है और टाइप्स के बारे में बात कर लें। चलो चलते हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों चलते हैं कि होता क्या है, नाउन होता क्या है, आखिर नाउन है क्या। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, थिंग, पर्सन, एनीथिंग, एनिमल, क्रिएचर, मतलब वो हर एक चीज जिसका कोई नाम है वो क्या नाउन होता है। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर है तो ये मार्कर है, ये मार्कर है तो मार्कर इसको बोलते हैं। जैसे कि मेरा नाम संजीव है तो संजीव, जैसे कि आपका नाम अगर राहुल है, श्याम है, सौरभ है, जो भी है, तो आपका नाम जो होगा ना, जो आपका नाम होगा वही हमारा क्या होगा, नाउन कहलाता है। तो ये तो होगी बात नेम ऑफ द पर्सन। जैसे कि राम क्या है, राम श्याम पर्सन का नेम है, दिल्ली एक सिटी का नेम है, पेन एक थिंग का नेम है, फैन एक थिंग का नेम है, डॉग एक क्रिएचर का नेम है। तो कुछ भी चीज़ जैसे कि मधुमक्खी हो गया, बी हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, किसी बर्ड का नाम हो जाएगा, किसी फैन का नाम हो जाएगा, मतलब हर एक चीज़ का नाम आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन नेम तो होते हैं, लेकिन जैसे कि अगर मैं आपके सामने बात करूं, जैसे कि देखो ये आपके सामने लव, लव लव एक वर्ड है। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, आपके सामने ये दो वर्ड्स हैं, जैसे एक लव है एक ऑनेस्टी है। अब आप कहोगे ये किसका नाम होता है, ये तो भाई नाम होता ही नहीं, नाम है। ये क्या है, ये इसको हम काउंट करते हैं हम किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किसमें काउंट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब ये नाउन क्यों है, इसको नाउन में ही क्यों रखा गया, नाउन में इसलिए रखा गया क्योंकि ये हमें फीलिंग है, ये हमारी फीलिंग्स के नाम है। ठीक है, हम लव फीलिंग का नाम है, ईमानदारी फीलिंग का नाम है, चोरी एक फीलिंग का नाम है, जो जो चीज़ें महसूस की जा सकती हैं उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। और ये कुछ नाउन आपके सामने मैंने करके दिखा दिए हैं। जब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको नाउन तो पता चल गया होगा कि आखिरकार नाउन क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि हम टाइप्स ऑफ नाउन की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर नाउन होता क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी एक स्पेसिफिक नाम, कोई भी स्पेसिफिक नेम, किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम हम कह सकते हैं। स्पेसिफिक नेम मीन्स खास नाम, कोई भी खास नाम क्या होगा हमारा, प्रॉपर नाउन होगा। या वो किसी भी चीज़ का हो, या वो किसी एनिमल का हो, या वो किसी पर्सन का हो, या वो किसी भी एक क्रिएचर का हो, तो अगर उसका कोई खास नाम है तो हम बात करेंगे स्पेसिफिक नेम की। ठीक है, वो है हमारा प्रॉपर नाउन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर आपका नाम राम है, अगर आपका नाम राम है तो राम एक स्पेसिफिक नेम है। जैसे अगर हम एक सिटी की बात करें तो एक सिटी, जैसे कि ये पर्सन कोई खास है तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम बात करेंगे सिटी की, अब सिटी में हमारा क्या दिल्ली आ जाता है, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, ये क्या है, सिटीज़ हैं। तो इस सिटीज़ में कोई एक पार्टिकुलर हम किसी एक खास चीज़ की बात करें, एक खास शहर की बात कर रहे हैं, तो वो नाउन हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों एक साथ चलते हैं, अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों एक साथ चलते हैं। अब आखिर कॉमन नाउन क्या होता है, इट्स द नेम ऑफ द क्लास, इट्स द नेम ऑफ द क्लास, किसकी क्लास, हम क्लास की बात करें, क्लास ऑफ द पर्सन, पर्सन प्लेस,
थिंग जो भी है किसी भी चीज़ की क्लास को हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, क्लास मतलब जाति, क्लास मतलब जाति, तो उसको बोलेंगे हम कॉमन नाउन। अब डिफरेंस क्या है, आखिरकार डिफरेंस क्या होता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पर, थोड़ी बात समझिए। अब आपके सामने मानो दो मोबाइल है, आपके सामने दो मोबाइल है, ये है हमारे पास मोबाइल। अब आपके सामने दो मोबाइल है, एक है नोकिया का मोबाइल और एक है सैमसंग का मोबाइल। अब मेरे को एक बात बताओ, अब आपके सामने दो मोबाइल हैं, अब देखो मोबाइल भी तो एक नाम है, मोबाइल भी एक नाम है, तो ये दोनों में कॉमन है, ये नोकिया में भी कॉमन है, सैमसंग में भी कॉमन है, तो इसको बोलेंगे कॉमन नाउन। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। लेकिन नोकिया अलग है, सैमसंग अलग है, ये दोनों क्या है, कंपनी, एक पार्टिकुलर कंपनी है, एक खास कंपनी के नाम है, एक स्पेसिफिक कंपनी का नाम है, तो ये हमारे सामने नोकिया सैमसंग क्या है, ये दोनों ही प्रॉपर नाउन हो जाएगी। आपको समझ में आया, क्या समझ में आया आपको, ये क्या है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा दोनों के दोनों। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि आपके सामने एक लिखा है, मैंने लिखा है पेन, ठीक है। अब आपके सामने पेन लिखा, अब एक बार बताओ, मेरे पास दो तरह के पेन है, ठीक है, एक मान लो मेरे पास है पार्कर का पेन, एक पार्कर का पेन है, एक मोंटेक्स का पेन है, ठीक है। अब मेरे को एक बार बताओ दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में देखो ये पेन कॉमन दिख रहा है आपको, तो ये दोनों ये क्या है, किसी भी चीज़ की, ये पेन की एक पूरी क्लास है ना। हम अगर पेन की बात करेंगे तो हम रिनोल्ट के पेन की, हम रिनोल्ट के पेन को पेन बोलेंगे, सैलो के पेन को भी पेन बोलेंगे, और पार्कर के पेन को पेन बोलेंगे, मोंटेक्स के पेन को भी पेन बोलेंगे। तो इस वजह से क्या है कि क्लास है। अभी पेन की अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो पेन जो है ये तो हो गया हमारा क्या, कॉमन नाउन हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन ये जो हम पार्कर की बात कर रहे हैं, ये पार्कर, ये मोंटेक्स, ये क्या कंपनीज हैं, कोई खास कंपनीज है ना, तो ये क्या है, स्पेसिफिक नेम हो गया, तो ये हो गई प्रॉपर नाउन, ये क्या हो गए भाई, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके सामने मैंने यहाँ पे दो व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, दो व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूँ, दो व्यक्तियों के नहीं, मैं यहाँ दो लड़कियों के नाम लिख रहा हूँ। अब बताओ मेरे को, एक है मान लो, एक है काजल, ठीक है, एक है मन्नू। अब एक काजल है, एक मन्नू है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दो लड़कियां हैं, तो ये क्या है, इनकी इनमें कॉमन क्या है, दोनों लड़कियां हैं, ये क्या है, दोनों लड़कियां, तो गर्ल्स, ये दोनों की दोनों क्या है, गर्ल्स है, तो गर्ल्स एक कॉमन नाउन हो गया, गर्ल्स क्या है, कॉमन नाउन हो गया, और एक काजल और एक मन्नू, ये दोनों स्पेसिफिक किसी खास लड़कियों के नाम है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो गए, क्या हो गए भाई, ये हो गए प्रॉपर नाउन। आपको इस बात समझ में आ गई कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है, और यही डिफरेंस है जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कभी नहीं करेगा, क्योंकि अब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन किसी भी क्लास का नाम होता है, ठीक है, या वो पर्सन की हो, या वो एनिमल की हो, या वह किसी क्रिएचर की हो, या वह किसी थिंग की हो, या किसी सिटी की हो, ठीक है। हम बात कर लेते हैं, अब देखो जैसे कि हम और चीज़ें बात करें, जैसे कि आपके सामने एक और, मैं एक और ले लेता हूँ एग्जांपल, देखो जैसे कि सामने है, आपके सामने है कंट्री। अब मैंने यहाँ कंट्री लिखा, अब कंट्री के साथ में मैंने यहाँ लिखा एक इंडिया, और यहाँ लिखा मैंने अमेरिका, ठीक है भाई। तो कंट्री, अब देखो कंट्री, ये इंडिया भी एक कंट्री है और अमेरिका भी एक कंट्री है, लेकिन जो ये कंट्री, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, इन दोनों में क्या है, कॉमन, कंट्री कॉमन है, तो ये कॉमन नाउन हो गई, क्या हो गई, ये कॉमन नाउन हो गई, और ये दोनों की दोनों क्या हो गई भाई, जल्दी बताओ क्या हो गई, इंडिया और अमेरिका, ये हमारी प्रॉपर नाउन हो गई। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और कैसे हम इनमें अंतर निकालेंगे, और कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा कॉमन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की, ठीक है, कलेक्टिव नाउन की बात कर लेते हैं। चलो दोस्तों कलेक्टिव नाउन की बात कर लेते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप ये क्लास देखते हो तो आप पेन कॉपी लेके बैठेगा, क्योंकि ये एकदम ग्रामर है, एकदम मैं स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बीच में काफ़ी गैप आ चुका था मेरी वीडियोज़ में, मैं
किसी परेशानी में पड़ गया था, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि लगातार आपको कम से कम वीक में कम से कम 5 क्लासेस तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आपकी भी मदद हो जाए, आपकी मदद हो जाए और मेरे को अच्छा लगता है कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, चलो बात करते हैं किसके बारे में। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आए तो। ठीक है, देखो अब बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की। आखिरकार कलेक्टिव नाउन है क्या? कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव का मतलब ही क्या होता है? सबसे पहले कलेक्टिव का मतलब, कलेक्टिव निकला है कलेक्शन से, कलेक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ का ग्रुप। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, कलेक्शन, कलेक्शन मतलब कोई भी किसी भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप नेम, ग्रुप नेम हम कह सकते हैं या फिर कलेक्शन नेम कह सकते हैं। मतलब या वो लोगों की कलेक्शन हो, या वो एनिमल्स की कलेक्शन हो, या वो कोई चीज़ की कलेक्शन हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं जैसे कि देखो, जब बहुत सारे लोग मान लो कहीं पे इकट्ठे हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? क्राउड बोलते हैं, क्राउड मतलब भीड़। ठीक है, समझ में आया, क्राउड मतलब भीड़। जैसे कि हम, आपने देखा होगा अंगूरों का गुच्छा देखा, हमने बोला ना अंगूर, एक अंगूरों का गुच्छा दे दो, तो उसको बोलते हैं बंच। क्या? गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। तो इस तरह की जो वर्ब्स होते हैं जो पूरे कलेक्शन को शो करती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात कर ले, जैसे कि आपके सामने पूरा झुंड जा रहा है, किसका? भीड़ का झुंड जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हर्ड। हर्ड क्या? झुंड, झुंड बोल देते हैं इनको। ठीक है, हर्ड बोलते हैं। जैसे कि आपके सामने बंडल, आपके सामने कोई बंडल रखा है, तो बंडल में कुछ ना कुछ किसी चीज़ की कलेक्शन होगा, या वो लकड़ियों का बंडल हो, या वो मैजिस्टिक्स का बंडल हो। ठीक है, तो ये क्या है? बंडल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक टीम, टीम क्या है? टीम क्या है? पीपल की कलेक्शन है, उसमें कुछ ना कुछ मेम्बर्स होते हैं। जैसे कि फैमिली, फैमिली में क्या है? मेंबर्स होते हैं, है ना? मेंबर से ही तो फैमिली बनती है, मेंबर से ही तो टीम बनती है। बंडल भी तो किसी चीज़ से मिलकर बना होता है, कलेक्शन होती है। हर्ड जो झुंड होता है वो भी तो बना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो जितने भी इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, जितने भी इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं, क्योंकि ये सारे का सारे क्या है? कलेक्शन का नेम है, द ग्रुप ऑफ द नेम है। हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये कितने सारे होते हैं। देखो, होते तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। बाकी जो होते हैं मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको कॉपी में नोट डाउन कर लो कि भाई किसके कलेक्शन को क्या कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे आपके बहुत काम में आएगा। तो इतना ही था कलेक्टिव नेम। अब इसमें बात कर लेते हैं, अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कलेक्टिव नाउन के लिए वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है, सिंगुलर होती है, प्लुरल होती है, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने, तो ये तो आपको पता चलेगा कि भाई कलेक्टिव नाउन आखिर होती कैसी है। बाकी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे बहुत सारे वर्ड्स, आप उनको पॉज करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना, लेकिन लिख लेना क्योंकि ये आपको याद करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं अगले नाउन की, मटेरियल नाउन की। ओके, चलो दोस्तों मटेरियल नाउन की बात कर लेते हैं। अब आपके सामने मटेरियल नाउन आपके सामने दिख रहा है। अब मटेरियल का मतलब क्या? मटेरियल का मतलब होता है, मटेरियल दो तरह के होते हैं। एक होता है मैनमेड, मतलब जिन्हें इंसान बनाते हैं, और कुछ होते हैं नेचुरल, जो प्राकृतिक होते हैं, जो हमें भगवान ने दिए हैं, है ना, कह सकते हैं जो प्रकृति ने दिए, जो हमें एनवायरनमेंट ने दिए, जो हमें नेचर ने दिए हैं। ठीक है, अब मैनमेड, अब देखो आखिरकार पहले मटेरियल होता क्या है। मटेरियल का मतलब है जिन चीज़ों को तोला जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि आप अगर कहीं पे लोहा खरीदने जाओगे तो लोहा को तोल के दिया जाएगा, किलो के भाव में दिया जाएगा। अगर आप सोना खरीदने जाओगे तो आपको तोले के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप चावल खरीदने गए तो आपको किलो के हिसाब से दिया जाएगा। अगर आप पानी खरीदने गए तो आपको लीटर के हिसाब से दिया जाएगा। अगर आप तेल खरीदने गए तो आपको लीटर के हिसाब से दिया जाएगा। तो वो चीज़ें जिन्हें तोला जाता है वो सारे के सारे आ जाते हैं मटेरियल नाउन में। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ वाटर, आपका वाटर होता है, आयरन होता है। ठीक है, बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, नायलॉन हो गया, ये क्या है? मटेरियल का नाम है। तो नाउन नायलॉन, वाटर, आयरन, नायलॉन, है ना, ऑयल हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया,
तो ये सारी की सारी जो है, ये सारे की सारी क्या है, हमारी मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये किस चीज़ से बनी है, मटेरियल से बनी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैंने आपको बताई दी कि इन्हें हमेशा तोल के दिया जाता है, या वो मतलब इसे इन्हें माप के दिया जाता है, इनकी क्वांटिटी में हमें चीज़ें मिलती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जैसे प्लास्टिक हो गया है ना, प्लास्टिक, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आखिरकार मटेरियल नाउन होती क्या है। एक बात ध्यान रखना, जो मटेरियल नाउन होंगी वो सारी के सारे सिंगुलर नाउन होंगी, सारी के सारी क्या होंगी, सिंगुलर नाउन होगी। इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो मैं वैसे आगे बताने वाला था पर फिलहाल मैंने इसको यहीं बता दिया। चलो अब बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाउन के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों चलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात कर लेते हैं। आखिरकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर किस बला का नाम है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों परेशान करते हैं, क्योंकि इसमें हमें समझ नहीं आता कि यार इसमें ये वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। तो मैं आपको कुछ खास चीज़ें बता रहा हूँ आपको, अगर आपको इनकी हिंदी अगर हिंदी में आपको वर्ड पता होगा ना तो बहुत आसानी से आप पहचान जाओगे कि आखिरकार ये नाउन है या फिर प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, मैंने आपके सामने लिखा ऑनेस्ट, एक मैंने लिखा ऑनेस्ट, एक मैंने लिखा ऑनेस्टी। अब एक ऑनेस्ट है और एक ऑनेस्टी है। अब एक बार बताओ, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार और ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है भाई, ईमानदार और ईमानदारी। तो ये हमारी नाउन है, ये हमारी नाउन है। आखिर पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है इसे नेम ऑफ द फीलिंग, नेम ऑफ द फीलिंग मतलब वो चीज़ें, वो फीलिंग्स जिन्हें, फीलिंग क्या होती है, जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं। क्या करते हैं, हम महसूस करते हैं, इन्हें सिर्फ महसूस करते हैं, ना हम इन्हें टच कर सकते हैं, ना हम इन्हें छू सकते हैं, ना, ठीक है, ना हम इन्हें देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मैं बोलता हूँ लव, लव मतलब प्यार, तो लव इज़ अ लाइफ। जैसे मैंने लिखा यहाँ, लव इज अ लाइफ, तो जो लव है ना, लव, अब इसको तुम छू नहीं सकते, इसको तुम पकड़ नहीं सकते, इसको तुम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसको तुम महसूस कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो। तो ये जो लव है, ये क्या है, महसूस करना, ये हमारी फीलिंग का नाम है। तो लव एक फीलिंग हो गया, ऑनेस्टी एक फीलिंग हो गया, थेफ्ट मतलब चोरी, चोरी करना, चोरी करना क्या होता है, थीफ होता है, थेफ्ट माने चोरी, ठीक है, चोरी। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि ईमानदारी, चोरी, बेईमानी है ना, बेईमानी, ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। और ये आपको कुछ ना कुछ तो पता होने चाहिए, ये आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं एग्ज़ाम में, जब भी आते हैं तो हमें हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाती है। आखिरकार ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती कैसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बनने का तरीका होता है, ये बनने का तरीका सिर्फ इतना ही है कि ये वर्ब, मतलब वर्ब्स से ही, वर्ब्स की मदद से ही बनते हैं और एडजेक्टिव की मदद से बनते हैं, वर्ब्स की मदद से बनते हैं और एडजेक्टिव की मदद से बनते हैं हमारे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि ऑनेस्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और ये हमारा ऑनेस्टी, हमारा ईमानदारी है, ये हमारा इससे नाउन बन गया। अगर आपको और वर्ड्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो ये वर्ड्स आपको याद कर लेने हैं, भाई इसका, इनका मतलब क्या है। अगर ये इंग्लिश में आपके सामने लिखे हुए हैं ना, तो इंग्लिश में इनका हिंदी में डिक्शनरी में जाके, इनका हिंदी में देख के अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि ये आपको याद करना है, क्योंकि ये बहुत जगह इस्तेमाल होंगे, फिर आप कन्फ्यूज होगे कि भाई इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है, तो यही होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इतना ही था हमारा नाउन, हमारे पास इतना ही था हमारा नाउन। बाकी जो हम बात कर रहे थे कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई होंगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखी है तो अगर ये आपको समझ में आया तो इसका सेकंड पार्ट भी आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि वहाँ पे आपके नाउन के सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी नाउन होती हैं कि जिनको हम सिंगुलर भी इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल की तरह इस्तेमाल करते हैं,
कौन सी ऐसी नाउन होती है जो सिंगुलर तो होती है लेकिन उनका प्लूरल नहीं किया जा सकता, कौन सी ऐसी नाउन होती है जो सिर्फ प्लूरल होती है उनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, तो इस तरह के नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ नाउन्स के बारे में बात करेंगे जो वर्ब से निकलती हैं, जो वर्ब की मदद से बनती हैं, जिन्हें हम जिरंड बोलते हैं। तो इस तरह की तमाम हम चीज़ें नाउन के बारे में हम जानेंगे और इसके बाद जो क्लास आएगी मे बी उसमें हम ये नाउन का चैप्टर क्लोज कर देंगे और पूरी चीज़ें सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी, और जल्दी से इंग्लिश मेरे साथ बने रहो और इंग्लिश सीखते रहो। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी।